Hello students and welcome to the Virtual Learning Network. This is session 10 for business organization and here we will discuss home trade and channels of distribution. The topics to be covered are introduction, home trade and distribution system, what is a channel of distribution, functions of channels of distribution, channels of distribution used, factors influencing the choice of channel, types of middlemen and role of middlemen. Now first we will start with introduction. In most of the cases, goods are produced at one place while they are consumed at various other places. It is not possible for all the consumers to know the place where goods are produced and contact the producers directly. ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि जो भी हम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो भी गुड्स प्रोड्यूस करती है वो अलग अलग प्लेसेस भी होता है और ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता सारे कंज्यूमर्स के लिए कि उन्हें ये पता हो कि कहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ताकि वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स को कॉन्टैक्ट कर सके. सो इट इज असेंशियल टू मूव द गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द मार्केट वेयर कंज्यूमर्स कैन बाय देम, अदरवाइज प्रोडक्शन हैज नो वैल्यू एंड इट बिकम्स अ वेस्ट. तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि गुड्स को प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से जहां पे वो मैन्युफैक्चर हुए वहां से उन्हें मार्केट में लेके जाया जा सके ताकि कंज्यूमर्स उन्हें खरीद सके, वरना उस प्रोडक्शन का कोई फायदा नहीं होगा और वो गुड्स वेस्ट होंगे. देयर इज अनदर बैरियर विच अराइज ड्यू टू टाइम लैग बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन. सो एक और बैरियर जो होता है इस केस में वो होता है प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच में जो टाइम डिले होता है. गुड्स प्रोड्यूस्ड आर नॉट कंज्यूम्ड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम. कभी भी ऐसा नहीं होता कि गुड्स जब प्रोड्यूस हुए हो तभी वो कंज्यूम हो, और कुछ गुड्स जो है वो पूरा साल लग जाता है उन्हें प्रोड्यूस होने के लिए, लेकिन उनकी कंजम्पशन जो है वो सीजनल होती है इन केस ऑफ द क्रॉप्स. इन सम अदर केसेस गुड्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक सीजन व्हाइल दे आर कंज्यूम्ड कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द ईयर. और कुछ ऐसे भी गुड्स होते हैं जो कि एक सीजन में ही प्रोड्यूस होते हैं लेकिन उन्हें कंज्यूम पूरे साल में किया जाता है. देन नेक्स्ट इज होम ट्रेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. नाउ व्हेन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स टेक प्लेस विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री इट इज कॉल्ड होम ट्रेड एंड इट इज ऑल्सो नोन एज डोमेस्टिक ट्रेड. सिमिलरली इफ द एक्सचेंज ऑफ गुड्स टेक्स प्लेस अक्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री इट इज कॉल्ड फॉरेन ट्रेड. सो हमारे पास दो टर्म्स हैं यहाँ पे, होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड. होम ट्रेड या डोमेस्टिक ट्रेड वो होता है जब एक्सचेंज ऑफ गुड्स जो होते हैं सेल और परचेज वो दोनों ही कंट्री के अंदर अंदर होती है, और फॉरेन ट्रेड वो होता है जिसमें एक्सचेंज ऑफ गुड्स जो है वो कंट्री की बाउंड्री से बाहर होती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के केस में. नाउ वी कैन लिस्ट द फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एज फॉलोज: बाइंग एंड असेंबलिंग, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड पैकिंग. नाउ फर्स्ट इज बाइंग एंड असेंबलिंग. For selling the goods, they have to be bought first. For buying the goods, it may be necessary to contact producers in different places. Purchases must be made in adequate quantities so that it become economic for handling. In this process, goods may have to be procured from different sources of supply and assembled in a warehouse or godown till the time they are sold. सो गुड्स जब हम प्रोड्यूस करते हैं उससे पहले जैसे रॉ मटेरियल खरीदते हैं तो अलग अलग जगह से अलग अलग प्रोड्यूसर से हमें गुड्स पहले खरीदने पड़ते हैं. देन जो भी परचेजेस होती है वो एडिक्वेट क्वांटिटीज में होती है और उन्हें हम एक जगह असेंबल करते हैं जैसे कि वेयर हाउस में या फिर गोडाउन्स में. देन स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग. टू फैसिलिटेट द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स डिफरेंट वेराइटीज मस्ट बी सॉर्टेड आउट सो दैट गुड्स ऑफ यूनिफॉर्म क्वालिटी may be offered for sale. Manufactured goods are generally graded according to size, shape, color, quality, etc. at the time of production itself. So there is no need for grading afterwards. But agricultural products have to be graded according to the differences in their quality. Because the farmers normally do not undertake grading before they sell them in the market. So सेल और परचेज को फैसिलिटेट करने के लिए अलग अलग वैरायटीज को अलग अलग सॉर्ट करना पड़ता है कैटेगरी वाइज, एंड ताकि उन गुड्स को एक यूनिफॉर्म क्वालिटी में ऑफर किया जा सके सेल्स के लिए. मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो होते हैं उन्हें जनरली हम ग्रेड के हिसाब से लगाते हैं जैसे कि साइज, शेप, कलर, एटसेट्रा. देन
ये इसलिए किया जाता है क्योंकि उसके बाद में ग्रेडिंग की जरूरत नहीं पड़ती, बट जो एग्रीकल्चरल गुड्स होती हैं उनको हम उनके डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग ग्रेड करते हैं, जैसे कि क्वालिटी, क्योंकि फार्मर्स जो होते हैं वो नॉर्मली ग्रेडिंग अंडरटेक नहीं करते बिफोर दे सेल देम टू मार्केट. सो स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग हमारा सेकेंड फंक्शन हो गया. अब नेक्स्ट है ब्रांडिंग. द प्रोड्यूसर्स ऑफन सिलेक्ट देयर ओन ब्रांड नेम्स फॉर द गुड्स दे मार्केट. These brand names help easy identification of the goods offered for sale. जो producers होते हैं वो ही brand name select करते हैं ताकि market में goods उनके नाम से आ सके. For example, Postman Oil, Hamam Soap, Onida TV, Brookbond Coffee, etc. Then packing and packaging. Certain types of goods have to be put in proper containers or packed properly to prevent damage in course of transportation or storage or handling. कुछ गुड्स को प्रॉपर पैकिंग की जरूरत पड़ती है ताकि ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे मिसहैंडलिंग ना हो या फिर वो डिस्ट्रॉय ना हो. एंड ऑन द अदर हैंड, प्रेजेंटिंग गुड्स इन कन्वीनियंट पैकेजेस, बॉक्सेस, टिन्स और बॉटल्स इज नेसेसरी फॉर इजी हैंडलिंग बाय बायर्स और फॉर रीसेल. और उसके बाद उनकी पैकेजिंग की भी जरूरत पड़ती है ताकि प्रॉपरली उसको किसी दूसरे को हैंड ओवर किया जा सके, जैसे कि कंज्यूमर्स को. Thus, packing as well as packaging of goods is necessary to facilitate the sale of goods. So, ये चार हमारे main basic functions होते हैं distribution system के. Then, next is, what is a channel of distribution? Now, channel of distribution is a network of institutions that perform a variety of interrelated and coordinated functions in the movement of goods from producers to consumer. So, channel of distribution एक तरह से network होता है उन institutions का जो कि interrelated और coordinated functions perform करते हैं ताकि goods के movement producer से customer तक जा सके. The main participants in the distribution system are manufacturers, intermediaries, facilitating agencies and the consumers. Now, functions of channels of distribution. The functions performed by channel of distribution may be grouped into three categories as follows: transactional functions, logistical functions, and facilitating functions. First is transactional functions. Functions necessary to a transaction of the goods are called transactional functions. Jo functions goods ki transaction ke liye zaruri hote hain, unhe transactional functions kehte hain. जैसे कि बाइंग एंड रिस्क बियरिंग फंक्शंस. पार्टिसिपेंट्स इन दी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अंडरटेक दीज थ्री फंक्शंस. प्रोड्यूसर्स सेल दी गुड्स एंड इंटरमीडियरीज बाय देम. लेटर इंटरमीडियरीज सेल दी गुड्स एंड कंज्यूमर्स बाय देम. सो ट्रांजैक्शनल फंक्शंस हमारे होते हैं जो बाइंग और सेलिंग में हेल्प करते हैं उनकी गुड्स के ट्रांजैक्शन के लिए. जैसे कि प्रोड्यूसर से गुड्स खरीदते हैं इंटरमीडियरीज और इंटरमीडियरीज से कंज्यूमर्स. सो ये जो ट्रांजेक्शन होती है इन्हें ट्रांजेक्शनल फंक्शन कहते हैं जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का होता है. नेक्स्ट इज लॉजिस्टिकल फंक्शन. द फंक्शन इन्वॉल्व इन द फिजिकल एक्सचेंज ऑफ गुड्स आर कॉल्ड द लॉजिस्टिकल फंक्शन. फिजिकल एक्सचेंज में जो फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं गुड्स की उन्हें लॉजिस्टिकल फंक्शन कहते हैं, जैसे कि असेंबलिंग, स्टोरेज, ग्रेडिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन. देन facilitating functions. These functions facilitate both the transaction as well as physical exchange of goods. जो दोनों ही transactional और logistical functions को help करते हैं, they are facilitating functions. और इसमें जैसे कि post purchase services, जैसे कि after sale services देते हैं आपको companies, फिर maintenance, financing, market information, etc. ये सारे facilitating functions होते हैं. Next is the channels of distribution used. Now we can classify the distribution channels into two broad categories: direct channels and indirect channels, that is use of middlemen. Direct channels होते हैं जब producers अपने goods directly consumers को sell करते हैं, कोई middlemen बीच में present नहीं होता producer और consumer के. They establish direct link with the consumers through traveling salesmen or through their own retail shops or showrooms. ऐसा होता है जब वो कंज्यूमर्स के साथ डायरेक्ट लिंक स्टैब्लिश करते हैं या तो ट्रैवलिंग सेल्समैन के थ्रू या फिर अपनी खुद की रिटेल शॉप्स या शोरूम्स के थ्रू.
जैसे कि प्रोड्यूसर से ट्रैवलिंग सेल्समैन से फिर कंज्यूमर के पास गुड जाते हैं, ऐसे ही प्रोड्यूसर से रिटेल शॉप में गए, रिटेल शॉप से कंज्यूमर्स के पास। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट फंक्शंस, जिसमें मिडलमैन का यूज होता है। इसमें क्या होता है कि सारे के सारे जितने भी प्रोडक्ट हैं, अगर पॉसिबल ना हो सके मैन्युफैक्चर के लिए ताकि वो डायरेक्टली सप्लाई कर सके, तो वो एक मिडलमैन का यूज करते हैं, जैसे कि होलसेलर हो गए, रिटेलर, मर्सेंटाइल एजेंट्स, तो वो सारे इनडायरेक्ट चैनल्स होते हैं। जैसे कि प्रोड्यूसर से जाते हैं रिटेलर के पास और उसके बाद फिर कंज्यूमर के पास, या फिर प्रोड्यूसर से पहले गए होलसेलर के पास, फिर रिटेलर के पास और उसके बाद कंज्यूमर के पास, और फ्रॉम प्रोड्यूसर इट गोज टू एजेंट, देन टू होलसेलर, देन टू रिटेलर एंड देन टू द कंज्यूमर। दे आर इनडायरेक्ट चैनल्स। देन चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज्ड फॉर कंज्यूमर गुड्स। नाउ द गुड्स विच आर कंज्यूम्ड बाय द हाउसहोल्ड कंज्यूमर्स आर कॉल्ड द कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो हाउसहोल्ड कंज्यूमर्स उनको यूज करते हैं, जैसे कि FMCGs, दैट इज फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, जैसे कि हमारे सोप, टूथपेस्ट एक्सेट्रा। अंडर दिस कैटेगरी यू कैन फाइंड अ वेरी वाइड रेंज ऑफ आइटम्स लाइक फूड आइटम्स, स्टेशनरी, कार्स एक्सेट्रा। द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट इज नॉट द सेम। हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग तरीके का चैनल यूज करते हैं। ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं, जैसे कि कार्स, क्लोदिंग, फर्नीचर, ये जनरली रिटेलर के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और ज्यादातर केसेस में शोरूम्स एस्टैब्लिश करते हैं मैन्युफैक्चरर्स और खुद उन्हें रिटेल ट्रेड की तरह डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं। देन चैनल्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। अंडर दिस कैटेगरी देयर आर अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स सच एज मशीनरी, इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, फॉर एग्जाम्पल शुगर केन, कॉटन, कॉफी, ऑयल सीड्स, आयरन ओर एक्सेट्रा, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट्स एक्सेट्रा। द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर नॉट सिमिलर फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स। सो इंडस्ट्रियल गुड्स की कैटेगरी के अंडर जितनी भी वैरायटी होती है प्रोडक्ट्स की, उनके लिए चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कभी भी सिमिलर नहीं होते। हाई वैल्यू इंडस्ट्रियल गुड्स जो होते हैं, जैसे कि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, एयरक्राफ्ट, हैवी मशीनरी, ये डायरेक्टली बायर्स से सप्लाई होते हैं और इस केस में मैन्युफैक्चरर्स जो है वो ऑर्डर्स को प्रोक्योर करते हैं मेल्स के थ्रू ऑन द बेसिस ऑफ कैटलॉग एंड प्राइस लिस्ट। नाउ दिस इज द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन केस ऑफ द कंज्यूमर गुड्स। प्रोड्यूसर से सीधा डायरेक्ट कंज्यूमर के पास जाएंगे, जैसे कि इन केस ऑफ कैटलॉग शॉपिंग डायरेक्ट फैक्ट्री बाइंग, देन या फिर प्रोड्यूसर से जाएंगे रिटेलर के पास और उसके बाद कंज्यूमर के पास इन केस ऑफ कार्स, क्लोदिंग एंड फर्नीचर, टेक्स्ट बुक, या फिर प्रोड्यूसर से जा सकते हैं होलसेलर के पास, देन टू रिटेलर एंड देन टू कंज्यूमर इन केस ऑफ स्टीरियोज, वीडियो रिकॉर्डर्स और ऑटो पार्ट्स, और फ्रॉम प्रोड्यूसर दे गो टू एजेंट और ब्रोकर, देन टू होलसेलर, देन टू रिटेलर एंड फाइनली टू द कंज्यूमर्स, एंड दिस हैपन्स इन केस ऑफ द फूड आइटम्स। Then in case of industrial goods, there are four different types of channels. From producer, they go to the industrial buyer. In case of mainframe computers, aircraft or heavy machinery. From producer, they can go to the industrial distributor and then to the industrial buyer. For example, in case of the conveyor system or trucks. Or from producer to agent aur uske baad phir industrial buyer ke paas, jaise ki in case of इंडस्ट्रियल फूड प्रोडक्ट्स लाइक कॉर्न, कॉफी, सोयाबीन्स एक्सेट्रा, या फिर प्रोड्यूसर से जाते हैं एजेंट के पास और उसके बाद फिर इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर के पास और देन टू इंडस्ट्रियल बायर। ये होता है हमारा फॉरेन मार्केट के केस में, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के केस में, जैसे कि टीवी, फ्रिज, मोबाइल फोन्स एक्सेट्रा। देन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द चॉइस ऑफ चैनल। अब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि चैनल की चॉइस पे को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, किस टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी है, वेयर द मैन्युफैक्चरर इज इंटरेस्टेड इन डिस्ट्रीब्यूटिंग हिज प्रोडक्ट थ्रू ऑल पॉसिबल आउटलेट्स, इट इज डिजायरेबल टू यूज मोर देन वन चैनल टू रीच आउट द टारगेट, दिस इज नोन एज इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूटिव चैनल, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अब जब मैन्युफैक्चरर इंटरेस्टेड होता है कि वो हर चैनल के थ्रू हर पॉसिबल आउटलेट पे अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर सके, तो वो एक से ज्यादा चैनल के थ्रू उनको भेजता है और इसको कहते हैं हम इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। एंड इफ गुड्स आर मेंट टू फॉर कस्टमर्स हु आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर क्वालिटी एंड यूजफुलनेस, मैन्युफैक्चरर्स अडॉप्ट अ
सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जब गुड्स जो है वो कस्टमर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वो बहुत पर्टिकुलर होते हैं क्वालिटी और यूजफुलनेस को लेके, तब मैन्युफैक्चरर्स अडॉप्ट करते हैं सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ऐसा होता है टीवी सेट्स या कंप्यूटर्स के केस में, और इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है पेन, पेंसिल, पेपर, सोप एटसेट्रा के केस में। देन नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट। अब जो नेचर होता है प्रोडक्ट का वो भी चॉइस ऑफ चैनल को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कि हमारे पेरिशेबल प्रोडक्ट्स होते हैं एग, मिल्क, जिनकी एक्सपायरी डेट बहुत कम होती है, वो हम सप्लाई करते हैं डायरेक्टली थ्रू शॉर्ट चैनल्स। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टारगेट कस्टमर्स। इफ द नंबर ऑफ कस्टमर्स इज लार्ज एंड ज्योग्राफिकल एरिया इज एक्सटेंसिव, लॉन्ग एंड मल्टीपल चैनल्स आर नेसेसरी फॉर इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। अब टारगेट कस्टमर्स अगर बहुत ज्यादा हैं, ज्योग्राफिकल एरिया बहुत बड़ा है, एक्सटेंसिव है, तो वहां पे हम मल्टीपल चैनल्स यूज करते हैं, इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन होती है गुड्स की। देन सप्लाई कैरेक्टरिस्टिक्स। अब गुड्स जो स्मॉल नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और एक ही रीजन में कंसंट्रेटेड है, तो वो जनरली शॉर्ट चैनल्स के थ्रू ही डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। देन टाइप्स ऑफ मिडलमैन। मिडलमैन कौन से हैं फील्ड में, जो भी सूटेबल अवेलेबिलिटी होती है उसके थ्रू गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। देन चैनल कॉम्पिटिशन। देर आर डिफरेंट सिचुएशन इन विच मैन्युफैक्चरर्स कम्पीट विद ईच अदर फॉर अवेलिंग द सर्विसेज ऑफ पर्टिकुलर होलसेलर्स। अब काफी सारी ऐसी भी सिचुएशन होती है जिसमें मैन्युफैक्चरर्स जो है वो एक दूसरे से कम्पीट करते हैं ताकि वो पर्टिकुलर होलसेलर की सर्विसेज को अवेल कर सके। सो होलसेलर पे या रिटेलर्स पे भी डिपेंड करता है कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। देन पोटेंशियल वॉल्यूम ऑफ सेल्स। तो चॉइस ऑफ चैनल जो है वो टारगेट वॉल्यूम पे भी डिपेंड करता है। अगर गुड्स और सर्विसेज बहुत बड़ी डिमांड में है तो टारगेट कस्टमर्स भी ज्यादा होते हैं और उन तक पहुंचाने के लिए उसी हिसाब से फिर चैनल को सिलेक्ट किया जाता है। देन कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। द वेरियस फंक्शंस कैरिड आउट इन द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एड टू द कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अपने बजट के हिसाब से भी देखते हैं कि अगर बजट बहुत ज्यादा है तो उस हिसाब से चैनल सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर कम है तो फिर शॉर्ट चैनल्स ही देखते हैं। देन लॉन्ग रन इफेक्ट ऑन प्रॉफिट। नाउ प्रॉफिट लॉन्ग रन में क्या प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, शॉर्ट चैनल्स होते हैं और लॉन्ग चैनल्स होते हैं, सबके अलग अलग इम्प्लीकेशन होते हैं विद रिगार्ड टू प्रॉफिट इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। अगर डिमांड जो है प्रोडक्ट के लिए वो ज्यादा है और मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स को वो पहुंचा रहे हैं एक ही चैनल के थ्रू, तो वो प्रॉफिटेबल भी हो सकती है, लेकिन अगर डिमांड बहुत कम है तो उस हिसाब से फिर उसके प्रॉफिट्स भी लॉन्ग रन में कम होते हैं। देन टाइप्स ऑफ मिडलमैन। मिडलमैन जो होता है वो एक तरह से लिंक की तरह काम करता है प्रोड्यूसर और डीलर के बीच में, गुड्स और गुड्स के लिए और कंज्यूमर्स के बीच में। तो प्रोड्यूसर, डीलर और कंज्यूमर्स के बीच में जो मिडलमैन की तरह एक्ट करते हैं, जो लिंक्स एस्टैब्लिश करते हैं, उन्हें मिडलमैन कहते हैं। एंड ब्रॉडली स्पीकिंग देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ मिडलमैन, फंक्शनल मिडलमैन और मर्सेंटाइल एजेंट्स एंड मर्चेंट मिडलमैन। नाउ फर्स्ट इज फंक्शनल मिडलमैन। दोज हु अंडरटेक वेरियस मार्केटिंग फंक्शंस इन द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स विदाउट हैविंग ओनरशिप राइट्स आर कॉल्ड फंक्शनल मिडलमैन। सो फंक्शनल मिडलमैन वो होते हैं जो मार्केटिंग फंक्शंस लेते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, लेकिन उनके पास कोई भी ओनरशिप राइट्स नहीं होते, वो होते हैं फंक्शनल मिडलमैन। ये पांच कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं, फैक्टर्स, ब्रोकर्स, कमीशन एजेंट्स, डेल क्रेडिट एजेंट्स एंड ऑक्शनियर्स। फैक्टर्स वो मिडलमैन होते हैं जो कि जो दूसरों के गुड्स अपने पास रखते हैं और उनको ओनर की अप्रूवल के साथ बेचते हैं। अ मिडलमैन हु कीप्स द गुड्स ऑफ अदर्स एंड सेल्स देम विद द अप्रूवल ऑफ द ओनर इज नोन एज अ फैक्टर। देन ब्रोकर। ब्रोकर मिडलमैन वो होते हैं जो कि बायर और सेलर को एक साथ लेके आते हैं, उनके टर्म्स और कंडीशंस को एक मिडल बायर और सेलर के बिहाफ पे नेगोशिएट करते हैं और उसके बाद उनके बीच में डील करवाते हैं। देन कमीशन एजेंट्स। कमीशन एजेंट्स होते हैं जो दूसरों के गुड्स को सेल करते हैं और उसके बेसिस पे उनको कमीशन मिलती है। देन डेल क्रेडिट एजेंट्स। When a mercantile agent sells the goods on credit and assumes the risk of bad debts, he is called as a Dell Credit Agent. जब
एक मर्सेंटाइल एजेंट गुड्स को सेल कर रहे क्रेडिट पे, यानी कि जब उधार पे वो गुड्स को सेल करते हैं और बैड डेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेते हैं तो उन्हें डेल क्रेडिट एजेंट्स कहते हैं। देन ऑक्शनियर्स, मिडलमैन अपॉइंटेड एज एजेंट्स टू सेल गुड्स बाय ऑक्शन आर नोन एज ऑक्शनियर्स। सो जो बिडिंग के बेसिस पे गुड्स के ऑक्शन करते हैं यानी कि उनकी बोली लगवाते हैं उन्हें ऑक्शनियर्स कहते हैं। देन आर डी मर्चेंट मिडलमैन। मर्चेंट मिडलमैन को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, होलसेल ट्रेडर्स एंड रिटेल ट्रेडर्स। मर्चेंट्स हु बाय गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर्स और देयर एजेंट्स एंड सेल द सेम टू इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स और रिटेल ट्रेडर्स आर नोन एज होलसेल ट्रेडर्स। होलसेल ट्रेडर्स होते हैं जो प्रोड्यूसर्स, मैन्युफैक्चरर्स या फिर एजेंट से गुड लेते हैं और उनको इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को या रिटेलर्स को बेचते हैं, उन्हें होलसेल ट्रेडर्स कहते हैं। और रिटेल ट्रेडर्स वो होते हैं जो होलसेलर से या प्रोड्यूसर से गुड्स खरीद के उनको अल्टीमेट कंज्यूमर यानी कि एंड यूजर को बेचते हैं, दे आर रिटेलर्स। नेक्स्ट इज द रोल ऑफ मिडलमैन। मिडलमैन के काफी सारे रोल्स होते हैं। दे प्रोवाइड लोकल कन्वीनियंस टू कंज्यूमर्स, कन्वीनियंस प्रोवाइड करते हैं कंज्यूमर्स तक उनको गुड्स पहुंचाते हैं। दे प्रोवाइड फील्ड स्टॉक्स, एजेंट्स और होलसेलर्स जो है वो पूरी कंट्री में स्प्रेड होते हैं और एक तरह से वो बल्क में सामान खरीद के उनको स्टॉक में रखते हैं और उन्हें रिटेलर्स को या फिर कंज्यूमर्स को बेचते हैं, तो वो एक तरह से स्टॉक होते हैं, फील्ड स्टॉक का काम करते हैं। फाइनेंसिंग, एजेंट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी को फाइनेंस करते हैं अलग अलग तरीके से, बल्क परचेजेस के लिए वो खुद ही पे करते हैं। देन सर्विसिंग, दे अरेंज फॉर दी आफ्टर सेल सर्विसेज एंड हैंडल ऑल काइंड ऑफ कंप्लेन्ट्स बाय दी कंज्यूमर्स लोकली। सो कंज्यूमर्स की जो आफ्टर सेल सर्विसेज होती हैं वो भी अवेल करते हैं मिडलमैन और एजेंट्स और लोकली उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। देन एक्टिंग एज चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, मिडलमैन जो है वो प्रोड्यूसर और मार्केट के बीच में एक तरह से चैनल स्टैब्लिश करते हैं ताकि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें। एंड हेल्प इन प्रमोशन, दे ऑल्सो हेल्प द सेल्स प्रमोशनल एक्टिविटीज थ्रू डिस्प्लेज एंड सेल्समैनशिप। नाउ हेयर आर सम क्वेश्चंस फॉर यू। फर्स्ट इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन मर्सेंटाइल एजेंट्स एंड मर्चेंट मिडलमैन, कमीशन एजेंट एंड अ डेल क्रेडिट एजेंट। Second, what is a channel of distribution? What is a direct channel of distribution? That's all for this session. Thank you and have a nice day.